सब मीडिया के सामने आज महिला मंत्री है स्मृति ईरानी जी, आज महिला मंत्री होते हुए भी अगर बच्चों के लिए अगर वो काम नहीं कर रही है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। बस ये आप खुद एक मिनट, आप समझ गए आपकी बात, आप इसे है इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ ताकि आपके पीछे ईडी सीबीआई नहीं लगेगी, इसीलिए मैं आपको किसी पक्ष से अभी सबूत नहीं, बयान नहीं, अरे बयान जिसने लेने हैं उसका काम है ये। आप हमारे को ये समझते हो कि हम इन चीजों का ज्ञान नहीं? किसी चीज को भी अटकाना, किसी चीज को लंबा खींचना, इसके अंदर किसी ना किसी का स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है, इसलिए हमारे को खराब करने की बात करते हैं। तो भाई हाँ, आप बहन जी आप बता दो, सब मीडिया के सामने आज महिला मंत्री है स्मृति ईरानी जी, आज महिला मंत्री होते हुए भी अगर बच्चों के लिए अगर वो काम नहीं कर रही है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। बस ये आप खुद एक मिनट, आप समझ गए आपकी बात, आप इसे है इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ ताकि आपके पीछे ईडी सीबीआई नहीं लगेगी, इसीलिए मैं आपको किसी पक्ष से मैं आपसे भी बड़ी बात कहने वाला हूँ, आप बैठो तो आप बैठो, मैं इन मंत्रियों को भी जानता हूँ और उस समाज को भी, ये तो मेरे से सीनियर है उस पार्टी में, नहीं मेरी सुन लो, लेकिन मैं तो अभी 9 साल पहले आया था, 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ, आज भी आप मेरी बात सुनोगे तो पता लगेगा 42 साल में मैंने कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ अपशब्द या पार्टी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोले। आज मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी के मैं किसी नेता के बारे में अपशब्द नहीं, लेकिन आप ये सोच लो वीरेंद्र सिंह ने 1972 में जो पहला चुनाव लड़ा और आज 50 साल हो गए, मैं इनकी ये पढ़ देता हूँ, ये पढ़ देता हूँ, सब पढ़ देता हूँ, मेरे को पता है स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं लेकिन फैसले कहाँ होते हैं आपको पता है? मैं तो हाँ मैं इसीलिए, और दूसरी बात और बता दूं फिर आप बोलोगे नहीं, मैं 9 साल हो गए अभी भी कहते हैं वीरेंद्र सिंह वो जो कांग्रेस से है अभी भी बाहरी मांगते हैं, तो कैसे काम चलेगा? धन्यवाद धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।